तो गाइज़ यहाँ पे SOL के फिफ्थ सेमेस्टर के OBE के रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। ये जो वीडियो है ये थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर के भी जो रजिस्ट्रेशन है वो इसी तरीके से ही होंगे, तो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर के भाई स्टार्ट कब होंगे रजिस्ट्रेशन, वो आपके भाई एग्ज़ाम जो है वो आपके 15 दिसंबर से, तो आपके 11-12 तारीख में स्टार्ट होंगे। तो जब भी स्टार्ट होंगे वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, एडमिट कार्ड भी आपका तभी आएगा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल सिर्फ फिफ्थ सेमेस्टर गया, तो फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स भी देख लीजिए और थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स भी देख लीजिए, क्योंकि सेम प्रोसीजर है। तो भाई आपको कैसे करना है रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले तो भाई आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाओगे। फिर यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन दिख रहा है ना यहां पे नीचे की तरफ ग्रीन कलर का, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो अगला इंटरफेस आपके सामने कुछ इस टाइप से ओपन होगा। यहाँ पे आपसे मांग रहा है कि भाई मोड डालना है आपको, यानी कि आपका सेमेस्टर मोड है या आपका एग्ज़ाम मोड है। ऑफ कोर्स आपका जो है सेमेस्टर मोड है, ठीक है ना, ईयर मोड आपका नहीं है। फिर आपको यहाँ पे अपना प्रोग्राम नेम डालना है कि आपका BA प्रोग्राम है, BA के BA ऑनर्स है, क्या है आपका BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, जो भी है आपका वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। एंड देन आपको भाई अपना नेम डालना है यहाँ पे, और फिर अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर डालना है। एग्जामिनेशन रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे आएगा, ठीक है ना, एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। और नेम भी आपको वही डालना है, वही स्पेलिंग डालनी है जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखी हुई है। सेम टू सेम दोनों चीज़ें वही डालनी है। एडमिट कार्ड के ऊपर वीडियो बनाई थी, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी तक आपने अपने एडमिट कार्ड चेकआउट नहीं करा तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। ये डाल के आप सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो अगला इंटरफेस आपके सामने ये ओपन होगा। यहाँ पे आपको भाई वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपने भाई एडमिशन के टाइम पे डाला था, ठीक है ना, और वही वाली आपको ईमेल एड्रेस डालनी है जो आपने एडमिशन के टाइम पे डाला था। अब भाई बहुत से लोगों का अगर वो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी बंद हो गई है, तो अभी भाई कुछ टाइम बाद एक दो के अंदर आपका चेंज करने का ऑप्शन आएगा स्टूडेंट डैशबोर्ड में। जब भी आएगा आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तब आप रजिस्ट्रेशन ये कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपका भाई बंद नहीं हुआ अभी तक वो नंबर वगैरह चल रहा है, तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है ना, और फिर सबमिट बटन पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अगला इंटरफेस आपके सामने ये ओपन होगा। यहाँ पे भाई आपको OTP डालने के लिए कह रहा है। ये जो OTP है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे या आपके ईमेल पे आया होगा, तो आप इस को देख सकते हैं भाई। आपके जो ईमेल जो आपने डाली थी या मोबाइल नंबर डाला था उस पे आया होगा, तो ये डाल के यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना। अगला इंटरफेस आपके सामने ये ओपन होगा। यहाँ पे भाई आपको एक पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला है, यानी कि आपको एक पासवर्ड बनाना है अपने OBE पोर्टल के लिए, ठीक है ना। तो आप कोई भी पासवर्ड यहाँ पे डाल सकते हैं, फिर उसको पासवर्ड को दोबारा यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। पासवर्ड भाई ठीक सा डालना, जो आप ना भूलो आपको याद रहे, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आप पासवर्ड डाल लीजिएगा और सबमिट पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप पासवर्ड क्रिएट कर लोगे, तो इंटरफेस आपके सामने ये ओपन होगा। यहाँ पे एक पॉपअप शो होगा ग्रीन कलर का, यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन लॉग इन नाउ, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, आप लॉग इन जो है आप कर सकते हैं, ठीक है ना। यहीं पे आप वापस क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम रोल नंबर डाल सकते हैं, अपना जो पासवर्ड आपने बनाया वो डाल सकते हैं, एंड देन यहाँ पे लॉग इन, यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक करके आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है ना। इस लॉग इन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका OBE का पोर्टल जो है ओपन हो जाएगा। वहीं पे आपको आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे और वहीं पे आपको आंसर जो है अपलोड करना है। कैसे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना और कैसे आंसर आपको अपलोड करने हैं इसके ऊपर भाई वीडियो बना देंगे, तो टेंशन मत लेना। आंसर वगैरह प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा, जितना मेरे से हो पाएगा बिल्कुल आपको ट्राई करूंगा आंसर प्रोवाइड कराने के। तो चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहना। तो बस ये इन्फॉर्म करना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।